कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्रांड अनदर व्लॉग। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है वेनसडे को सुबह 9:45 बजे से। सबसे पहले सुबह उठकर मैंने कढ़ी चढ़ाने की तैयारी करी थी, क्योंकि मेरी कढ़ी कम से कम 6 घंटा पकती है, इसलिए मुझे इसको टाइम से चढ़ाना होता है और इसकी टाइमिंग मुझे नोट करनी होती है। पहले कढ़ी को चढ़ाकर मैं 3 घंटा पकाती हूँ और फिर 3 घंटा पूरे होने पर मैं इसमें इमली का पानी और नमक ऐड करती हूँ और फिर इसको मज़ीद 3 घंटा पकाती हूँ, तो ये हो गए पूरे 6 घंटे। तो इसलिए मुझे इसको टाइमिंग नोट करके चढ़ाना होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा पाव बेसन, आधा पाव दही। उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट पिसी लाल मिर्च, हल्दी और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इन सब चीज़ों को जूसर ब्लेंडर के जग में डालकर मैं बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। पहले मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। पहले मैं पतीले के अंदर दही में बेसन को फेंट कर उसमें पिसे लाल मिर्च और हल्दी डालकर और प्याज काट कर डाल दिया करती थी और फिर पानी भरकर मैं कढ़ी चढ़ा दिया करती थी। लेकिन उससे क्या होता है कि बेसन के लम्स बन जाते हैं। लेकिन फिर अब मैं इस तरह से करने लगी हूँ कि जूसर की जग में बहुत अच्छी तरीके से इन सब को ग्राइंड कर लेती हूँ और नल के नीचे पतीली को रख कर इसमें नल खोल देती हूँ, पानी भरता रहता है और ये सारा मिक्सचर जो है मैं इसके अंदर आराम आराम से डालती जाती हूँ। इससे क्या होता है कि बेसन के लम्स बिल्कुल भी नहीं बनते। आप कभी मेरी इस ट्रिक को अपना कर देखिएगा, फॉलो करके देखिएगा, आप लोग खुद कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। और जो यहाँ पर मैंने ऑयल और घी की जो ट्रे है, मैंने इसी के अंदर असली घी की बर्नी भी रख दी है, क्योंकि स्लेब बहुत ज़्यादा ना फैलता जा रहा था और रोटी पकाने में मसला होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन तीनों चीज़ों को समेट कर एक ही ट्रे के अंदर रख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा और स्लेब गंदा भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा फैलावा भी नहीं होगा स्लेब के ऊपर ना। और जो यहाँ पर मैंने कढ़ी चढ़ा दी है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि हम कढ़ी चढ़ाएं और कढ़ी उबले ना, ये तो हर दफ़ा की कहानी है। मैं इसके पास खड़ी हुई थी और मैं इतनी नज़र रखी हुई थी, ख्याल रखी हुई थी कि मैं उबलने नहीं दूंगी, मेरा चूल्हा गंदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये हर दफ़ा की कहानी है। कढ़ी में तो उबलना ही उबलना है, कढ़ी का तो उबलना फ़र्ज़ है, कढ़ी में ज़रूर उबलना है। और मुझे इतनी चिढ़ होती है, मुझे अपना गंदा चूल्हा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। जैसे ही कोई चीज़ गिरती है ना, तो आपके आप ही फ़ौरन ही चूल्हा साफ़ करती है। और जी, यहाँ पर मैं 1 घंटा पहले ही बेसन फेंट कर रख रही हूँ। बेसन में मैंने ऐड किया है ज़ीरा, नमक, कुटी लाल मिर्च और सोडा। इन 4 चीज़ों को डालकर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको फेंट लूँगी और जब मैं फुल्कियाँ फ्राई करने लगूँगी ना, तब मैं इसके अंदर चॉप हुई हुई प्याज और हरी मिर्चें, वो ये 2 चीज़ें ऐड करके फिर मैं उस वक्त जो है फ्राई करूँगी। अभी मैं इसके अंदर जो है वो प्याज नहीं डालूँगी, वरना प्याज अपना पानी छोड़ देती है और बेसन पतला हो जाएगा। और जी, कढ़ी को पकते हुए 6 घंटे हो गए थे। 3 घंटे के बाद मैंने इसके अंदर इमली का पानी और नमक ऐड कर दिया था और अब मैं यहाँ पर जो है वो फुल्कियाँ फ्राई करके इसके अंदर ऐड करूँगी। इस वक्त मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, अगर वो होते तो मैं उनको फुल्कियाँ जो है पकौड़ियाँ ज़रूर फ्राई करके देती, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो उनको पकौड़ियाँ ज़रूर फ्राई करके देती हूँ, ऊपर से सिर्फ चाट मसाला स्प्रिंकल करके। उनको बहुत पसंद है, लेकिन वो कंपनी जा चुके हैं, तो इसलिए जो है वो आज मैं ऐसा नहीं कर सकी। जी, आजकल मैं बहुत ज़्यादा धुलाइयाँ करने लगी हूँ,
मंडे को मैंने अपने कपड़े वॉश कर लिए थे और आज जो है वेनसडे को मैंने जो है वो अपने दोनों अबाये वॉश कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा बाहर आना जाना हो रहा है और अबाये जो है वो पसीने से और डस्ट से भारी हो जाते हैं, फिर जब उनको वॉश करो तो इतने हल्के हल्के सॉफ्ट सॉफ्ट से फील होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे अबाये अपने भारी फील हो रहे थे, मैले हो गए थे। तो आज मैंने अपने अबाये भी वॉश कर लिए और सुबह 9:45 बजे से उठकर जो मैं कामों में लगी हूँ, सबसे पहले तो मैंने कढ़ी चढ़ाई है, फिर उसके बाद मैंने पूरे घर का झाड़ू पोछा करा है और फिर उसके बाद फ्रेशन अप होकर मैंने नाश्ता किया है। और बस यहाँ बघार में मैं प्याज यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन किया है और इसके बाद मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी, कटा हुआ लहसुन, और फिर ज़ीरा, लाल साबुत मिर्चें और कड़ी पत्ता। बस ये 5 चीज़ों का मैं बघार लगाऊँगी। और ये आपकी आपकी माशाल्लाह से इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और ना ही मैंने करने की कोशिश करी है, लेकिन मैंने नोट किया और मैंने जो है वो काउंट किए हैं, किया तो पूरा जो है वो 16 आवर्स की मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग खुद ब खुद हो रही है। रात को हम लोग फाइनल जो लास्ट हमारी मील होती है ना वो 9 बजे हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी फर्स्ट मील जो है वो मैं लेती हूँ दोपहर के 1 बजे। तो रात के 9 बजे के हिसाब से मतलब 10 बजे होता है 1 घंटा, तो 10 रात को 10 बजे के हिसाब से नेक्स्ट डे के 1 बजे दोपहर के 1 बजे तक मेरे पूरे पूरे 16 आवर्स बन रहे हैं। 16 आवर्स की मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा ना ही मैंने करने की कोशिश करी है, लेकिन ये खुद ब खुद हो रही है और तभी मेरा वेट लॉस हो रहा है। और बस जी यहाँ पर मैंने बघार लगा दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, खट्टी खट्टी इतने मज़ेदार बनती है ये कढ़ी। ये रेसिपी मेरी बाजी की रेसिपी है, मैंने अपनी बाजी से सीखी है। तो बाजी वेट मेरा खुद ही खुद लॉस हो रहा है और फिर सारा दिन जो समझे 12 घंटे की मेरी ड्यूटी होती है, सुबह 9:45 बजे से रात 9:45 बजे तक की मेरी ड्यूटी होती है सारे कामों की। और जी फाइनल लुक देखा आप लोगों ने कढ़ी का, माशाल्लाह से कितनी टेस्टी यम्मी लग रही है ना, बहुत ही मज़ेदार बनती है खट्टी खट्टी। और जी यहाँ पर मैं साथ ही साथ आटा भी गूंद रही हूँ, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है और आज जो है वो आटा मैं कम गूंद रही हूँ, क्योंकि थर्सडे को मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, उसमें रोटी नहीं बनेगी। और जी एक मुझसे गलती हो गई, मैं सबसे अपोलोजाइज कर रही हूँ कि नाइट टाइम जो किचन क्लीनिंग ब्लॉग था उसमें मैंने गलती से बोल दिया कि थर्सडे का ब्लॉग देखना नहीं बोलिएगा, थर्सडे को मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। तो थर्सडे को तो मैं स्पेशल बना रही हूँ, फिर मैं उसमें वॉइस ओवर एडिटिंग वगैरह करूँगी, पूरे ब्लॉग को रेडी करूँगी, तो मैं थर्सडे को कैसे उसको अपलोड कर सकती हूँ, ये तो मैंने बाद में सोचा। तो जी थर्सडे को मैंने स्पेशल में बना रही हूँ, लेकिन उसका ब्लॉग ना मैं सैटरडे को अपलोड करूँगी, तो इसके लिए मैं आप सबको सॉरी बोलती हूँ कि बेध्यानी में मैंने कह दिया कि थर्सडे को मैं स्पेशल बना रही हूँ, आप लोग थर्सडे का ब्लॉग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो जी थर्सडे को मैं बिल्कुल बेशक मैं स्पेशल बना रही हूँ, लेकिन थर्सडे का ब्लॉग मैं सैटरडे को अपलोड करूँगी, तो वो आप लोग बिल्कुल भी देखना नहीं भूलिएगा। और जी यहाँ पर मैंने कम क्वांटिटी में आज आटा गूंदा है, क्योंकि थर्सडे को भी रोटी नहीं बनेगी, फ्राइडे को भी रोटी नहीं बनेगी, तो इसलिए आज मैंने छोटे फूड सेवर में आटा गूंद के रखा है। और जी यहाँ पर मैं अलीशा बेगम को दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए, वो कह रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा आटा पतला होता है, तो ये देखिए मेरा आटा 4 से 5 घंटों में जब मैं फ्रिज में रखती हूँ आटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल सेट हो जाता है। बाजी भी कह रही थी, अलीशा भी कह रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा आटा काफ़ी पतला होता है, तो अगर मेरा आटा थोड़ा पतला मैं खुद जानकर रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में जब मैं रखती हूँ ना 4 से 5 घंटे के लिए तो आटा बिल्कुल सेट हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और जी आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को रोटी की एक आखिरी रोटी का भी क्लिप दिखा दूँ, बहुत दिन हो गए मैंने रोटी पकाते हुए आप लोगों को दिखाया नहीं। तो जी यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे इनकरेज कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।